खबर भी गुज से। शाहपुरा में चल रहे फुल्लोल महोत्सव के चौथे दिन नगर पालिका शाहपुरा की ओर से आयोजित अखिल भारतीय विराट हास्य कवि सम्मेलन कवियों एवं हजारों श्रोताओं की उपस्थिति में भोर तक चला। पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, अधिशासी अधिकारी भानु प्रताप सिंह, पार्षद गणों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित सम्मेलन में शुरुआत में पालिका चेयरमैन ने सभी कवियों का स्वागत किया। कवि सम्मेलन का प्रारंभ नीमच से आई कवियत्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे के सरस्वती वंदना से हुआ। उसके पश्चात प्रथम कवि के रूप में देवेंद्र वैष्णव वारा ने नेताओं पत्नी पर चुटिल हास्य कविताओं से सबको गुदगुदाया। शाहपुरा के हास्य कवि दिनेश बंटी ने मेले के अवलोकन से सृजित मौलिक हास्य बातों से गुदगुदाया। धार मध्य प्रदेश से आए हास्य के प्रसिद्ध संदीप शर्मा ने बातों से हंसाकर आत्मत्याग का रंग राष्ट्र कलंकी नहीं हो सकता है, कुछ भी जाए भगवा आतंकी नहीं हो सकता, भगवा आतंकवाद पर दमदार रचना प्रस्तुत कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। दिल्ली से आए हास्य के बड़े कवि राजेश चैतन ने पांच राज्यों में हुए चुनावों पर अपनी नवीनतम हास्य रचना योगी को पानी पी पी कर कोस रहे उनके दुश्मन बाबा जी से जान बचाना उनके बस की बात नहीं है, अंबाल ठाकरे मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उसके बस की बात नहीं सहित कई हास्य कविताओं से कार्यक्रम को जीवंत रखा। कवियत्री प्रेरणा ठाकरे ने पानी पानी पर पानी लिखना एवं श्रृंगार की बेहतरीन कविताओं तथा कार्यक्रम के संचालक अतुल ज्वाला एवं उनके बीच हुई नोकझोंक को श्रोताओं के आनंद में सरोबार कर दिया। कार्यक्रम संयोजक कोच के बेहतरीन कवि डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने अपनी ओजस्वी कविताओं विश्वगुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे कविता सुनाए तो तालियों से पूरा पांडाल गूंज उठा। तथा पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में ना आई कैसे रहेगी तेरी माई से सभी को भाव विभोर कर दिया। मेरठ उत्तर प्रदेश से आए वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार को सुनने देर रात तक हजारों श्रोता बैठे थे। उन्होंने श्रोताओं की फरमाइश चंद्रशेखर आजाद तालिबान पर अपनी नवीनतम रचना एम पुनः फरमाइश कर कारगिल युद्ध पर अपनी प्रसिद्ध रचना उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जब बेटे को अर्थी आई होगी घर के सुने आंगन में शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। केकड़ी से आए हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादिच ने कार्यक्रम का समापन करते हुए कई हास्य रचनाओं एवं टिप्पणियों से श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन किया। अंत में कार्यक्रम के समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कवियों एवं श्रोताओं का आभार जताया।